हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स की एक्सरसाइज 3.3 करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4 एंड 8। तो सबसे पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि यदि लास्ट की डिजिट में अगर 0 0 आता है तो वो डिजिट हम 00 आता है तो वो डिजिट हमारी 4 से डिविजिबल है, और अगर 000 आता है तो वो डिजिट हमारी 8 से डिविजिबल है। तो ये चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिजिट 572 को देखेंगे। 572 के लिए हम क्या देखेंगे कि 4 से डिविजिबिलिटी के रूल में हम क्या देखते हैं, लास्ट की टू डिजिट को 72 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 3 बचा 2 तारा 4 8 जा 32। तो रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा, यानी कि ये 4 से डिविजिबल है। एंड 8 के डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या देखेंगे कि लास्ट की थ्री डिजिट हमारी कौन सी हो गई, 572। तो 572 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 7 जा 56, 1 बचा 2 तारा 8 1 जा 8, 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचा, यानी कि रिमाइंडर में हमारे यहाँ पे बच रहा है 4, ठीक है, 4 बच रहा है। तो ये डिजिट हमारी 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट है 726352। डिजिट चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हमें 4 से डिविजिबिलिटी की टेस्ट में लास्ट की टू डिजिट को हमें किससे डिवाइड करना होता है, 4 से। तो 4 1 जा 4, 1 बचा 2 उतारा 4 3 जा 12, यानी कि ये डिजिट जो है यहाँ पे हमारा 0 बचा रिमाइंडर में, तो ये डिजिट हमारी 4 से डिविजिबल है, ठीक है। अब हम 8 से डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे, और 8 से डिविजिबिलिटी के रूल में हमारी क्या कंडीशन है कि लास्ट की थ्री डिजिट हमारी क्या है, 352। तो इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 8 4 जा 32, 3 बचा 2 उतारा 8 4 जा 32। तो ये डिजिट हमारी 8 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, यानी कि ये 8 से डिविजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे सी पार्ट वो कह रहा है कि, अब देखिए सी पार्ट कितना आसान है, सी पार्ट में कह रहा है कि 5500, ठीक है। तो 5500 में हम क्या, लास्ट की टू डिजिट 0 है, यानी कि ये 4 से डिविजिबल है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर लास्ट में 00 है तो आप देखते ही समझ जाइए कि ये 4 से डिविजिबल है। अब 8 से डिविजिबिलिटी के टेस्ट में हम लास्ट की 3 डिजिट लेंगे 5000, अब इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 5 40, 8 6 48, 48। तो 10 में से 8 गया 2 बचा, 0 बचाया 8 2 16, तो यहाँ बचा 4, यानी कि रिमाइंडर में हमारा ये बच रहा है 4। तो यानी कि ये 8 से डिविजिबल हमारा नहीं है, और ये 00 है, 4 से डिविजिबल आता है, तो ये 4 से हमारा डिविजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे 6000। अब मैंने शुरू में ही बताया आपको, अगर 00 हम 4 से डिविजिबिलिटी के टाइम में लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, अगर 00 है तो ये 4 से डिविजिबल है, और 000 है तब ये 8 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये क्या है, 8 से भी डिविजिबल है, इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ई पार्ट हम देखेंगे, ई पार्ट
12159। लास्ट की टू डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बन जा 4, 1 बचा 9 उतारा, 4 जा 16, 3 बचा, यानी कि रिमाइंडर में 3 बच रहा है, यानी कि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 8 से डिविजिबिलिटी के रूल में हम क्या देखते हैं, लास्ट की 3 डिजिट, तो 159 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 वन जा 8, तो 15 में से 8 गए 7 बचे, 9 उतारे 9 जा 72, तो 7 बचा, यानी कि रिमाइंडर में यहाँ पे भी 7 बच रहा है, यानी कि ये डिजिट हमारी 8 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है एफ पार्ट 14560। तो 4 से डिविजिबिलिटी के टेस्ट में हम लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, तो लास्ट की 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बन जा 4, 2 बचा 0 उतारा, 4 5 जा 20, यानी कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यानी कि ये 4 से डिविजिबल है। एंड 8 से डिविजिबिलिटी के रूल में हम लास्ट की 3 डिजिट लेंगे, तो 560 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 7 जा 56, कुछ नहीं बचा, ठीक है, और ये 0 यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो 8 यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी कि ये 8 से भी हमारा डिविजिबल है। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे 21084। डिजिट चाहे कितनी भी बड़ी हो, 4 से डिविजिबिलिटी में हम लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, तो लास्ट की 2 डिजिट है हमारी 84, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 बचा, 4 1 जा 4, यानी कि 0, यानी कि रिमाइंडर में हमारा कुछ भी नहीं बचा, यानी कि ये हमारा 4 से डिविजिबल है। अब लास्ट की 3 डिजिट को, लास्ट की 3 8 से डिविजिबिलिटी के टेस्ट में लास्ट की 3 डिजिट को हम देखेंगे, लास्ट की 3 डिजिट क्या हुई, 084 को 84 लिख सकते हैं हम, या अब 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 8 में से 8 गया 0, उतारा 4, तो ये अब बाहर नहीं जाएगा, यानी कि रिमाइंडर में हमारा 4 बच गया, यानी कि ये 8 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे एच पार्ट है 31795072। तो 4 से डिविजिबिलिटी के टेस्ट में हम लास्ट की 2 डिजिट को देखते हैं, 72 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, तो 3 बचा, 2 बता रहा, 4 8 जा 32, यानी कि यहाँ पे भी रिमाइंडर में कुछ नहीं बच रहा है, यानी कि ये 4 से डिविजिबल है। और 8 से डिविजिबिलिटी के रूल में हम क्या करते हैं कि लास्ट की 3 डिजिट, तो 070 लिखा है, तो डिजिट से अगर पहले कुछ लिखा हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम इसे 72 ही लिखेंगे, है ना, और इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 जा 72, यानी कि यहाँ पे भी रिमाइंडर में कुछ नहीं बच रहा है, यानी कि ये 8 से डिविजिबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे इसका। नेक्स्ट पार्ट है 1700। अब मैंने बताया कि शुरू में ही कि अगर 00 है तो आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, एंड नेक्स्ट 8 से डिविजिबिलिटी के रूल में आप क्या करोगे कि लास्ट की 3 डिजिट लोगे, तो 700 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 8 जा 64, 10 में से 4 गया 6 बचा, 0 उतारा, 8 7 जा 56, यानी कि यहाँ पे क्या बचा, 10 में से 6 गया 4 बचा, 4 बच गया, यानी कि रिमाइंडर में हमारा कुछ बच रहा है, यानी कि ये डिजिट हमारी 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे इसका 2150। तो 2150 को हम देखेंगे, तो लास्ट 4 से डिविजिबिलिटी के टेस्ट के लिए हम लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं, तो लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 50, तो 50 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 1 उतारा, 1 बचा, 0 उतारा, 4 2 जा 8, 2 बचा, यानी कि रिमाइंडर में हमारे 2 बच रहा है, यानी कि ये 4 से डिविजिबल नहीं है।
और 8 से डिविजिबिलिटी के रूल में हम क्या देखते हैं कि लास्ट की 3 डिजिट, तो लास्ट की 3 डिजिट क्या है हमारी 150, तो 150 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 8 1 8, यहाँ 7 बचा, उतारा 0, तो 8 8 जा 64, तो यहाँ पे क्या बचा 10 में से 4 गया तो बचा 6, तो 6 बचा, तो यानी कि रिमाइंडर में हमारे यहाँ बच रहा है, तो मतलब ये 8 से डिविजिबिलिटी का रूल यहाँ फॉलो नहीं करता है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।